मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों में भी भारी उत्साह देखा गया। दतिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद दतिया पुलिस अधीक्षक ने डायल 100 को रवाना किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इसका लाइव प्रसारण दतिया पुलिस कंट्रोल रूम में भी किया गया। लाइव प्रसारण के बाद दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने कॉल टू कंट्रोल रूम के बाहर डायल 100 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दतिया में शहरी क्षेत्र के लिए दतिया कोतवाली, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ौनी थाना क्षेत्र का चयन किया गया है। माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा थी कि जो फरियादी है और पीड़ित है उसे थाने आने की आवश्यकता ना पड़े, पुलिस स्वयं उसके घर जाके वहीं से FIR लिखे। तो उनकी इस मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस ने FIR आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज इसका विधिवत शुभारंभ मध्य प्रदेश के जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है भोपाल, उसमें उद्घाटन किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा। इसमें जोनल मुख्यालय के 11 जिलों को लिया गया और ये गर्व का विषय है कि दतिया जिले का चयन भी किया गया है। इसके लिए इसमें एक शहर का थाना और एक देहात का थाने का चयन किया गया है। दतिया में कोतवाली और बड़ौनी का चयन किया है। इनकी जो FRVs है उसमें पृथक से स्टाफ लगाया गया है हमारे द्वारा। प्रत्येक FRV में एक लैपटॉप और प्रिंटर भी लगाया गया है ताकि आवश्यकता होने पर FIR करने योग्य यदि घटना है तो वहीं पर उसका FIR करके प्रिंटआउट दिया जा सके। यदि सामान्य धाराओं की घटना है तो जो हमने उसमें हेड कांस्टेबल और ASI लगाए हैं तो वहीं FIR ले लेंगे। यदि गंभीर अपराध है तो सब इंस्पेक्टर को थाने से बुलाया जाएगा। पूरी इस कार्यक्रम के पीछे मंत्री जी की जो मंशा थी वो ये थी कि पीड़ित को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो और अधिक से अधिक उसे सहजता के साथ हम न्याय दिला सकें। इसी के अनुरूप ये कार्यक्रम किया गया है। अभी आरंभिक 3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा और इसमें जैसे जैसे फीडबैक आएगा वैसे वैसे इसमें सुधार करेंगे। आम जनता से, आप सभी लोगों से भी इसमें फीडबैक लिया जाएगा। दतिया से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।